वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। टुडे में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो ये खास वीडियो रहने वाला है राजस्थान वाले अभ्यर्थियों के लिए, जिनसे आपके बीएसटीसी, क्या बोल सकते हैं बीएसटीसी, या जिससे प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा है और उनको भी टीचर बनना है। कारण क्या होता है दोस्तों, एसटीसी में नंबर नहीं आने का स्पष्ट कारण कि आप नए नए हो, जैसे ट्वेल्थ पास करके आए तो आपको उतना नॉलेज नहीं है, जीके चाहिए उसमें, हिंदी इंग्लिश साइकोलॉजी, इसके अलावा आपके जो रीजनिंग है सभी की तैयारी आपको 2 से 3 महीने मिलते हैं, इनमें नहीं हो पाती है। होता क्या है, जो पुराने स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, जिन्होंने बीए कर लिए, वो वापस एग्ज़ाम दे रहे हैं आजकल, किन के आपके प्री बीएसटीसी, ज़्यादातर वही लड़के इसमें सफल हो रहे हैं, यानी एसटीसी में नंबर उन्हीं का आ रहा है। तो उसके लिए आपको इतना व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप दूसरे स्टेट से भी बीएसटीसी या डीएलएड कर सकते हैं, यानी राजस्थान वाले हैं वो मध्य प्रदेश से एसटीसी या डीएलएड कर सकते हैं, राजस्थान वाले आपके हरियाणा में एसटीसी या डीएलएड कर सकते हैं। ये स्पेशल वीडियो है दोस्तों आपके लिए, राजस्थान वाले मध्य प्रदेश से एसटीसी या प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिए बिना एडमिशन ले सकते हैं, वही 2 साल का सेम रहेगा। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग और मंत्रालय जो भोपाल है ये एग्ज़ाम दोस्तों नहीं करवाता, और डायरेक्ट क्या होता है काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉटमेंट होती है, और 2 साल में आपकी जो एसटीसी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में राजस्थान में आएंगे आप तो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाहर से अगर आप एसटीसी करके आएँ तो रीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसके अलावा जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है वो भी दे सकते हैं, मान्यता दोनों की सेम है बराबर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि केवल राजस्थान में जो एसटीसी कर रहे हैं उनको ही लिया जाएगा। तो रीट का एग्ज़ाम दे दिया आपने, थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम दे दिया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, और राजस्थान वाले बाहर से भी एसटीसी करके आते हैं वो मान्य होते हैं और बराबर मान्यता प्राप्त हैं। अगर किसी को भी सीरियसली किसी को भी अगर करना चाहते हैं वो, तो आप दिए गए स्क्रीन पर सामने नंबर दिख रहे हैं उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अगर आपको सीरियसली करना है तो। क्योंकि दोस्तों हम यहां से हर बार लड़कों को बाहर से करवाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, और आप राजस्थान में कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अगर आपको एसटीसी या बीएड करनी है। कहां से, मध्य प्रदेश से जो बीएसटीसी करनी है आपको तो कर सकते हैं। क्या प्रक्रिया रहती है दोस्तों इसमें, दोस्तों प्रवेश नियम है अशासकीय डीएलएड महाविद्यालयों में, यानी कि आपके प्राइवेट जो एसटीसी के कॉलेज हैं और शासकीय यानी गवर्नमेंट कॉलेज रहती हैं उनमें क्या प्रवेश प्रक्रिया रहती है, कितना क्या इसमें दोस्तों आपके, ये दोस्तों पिछले ईयर का है, यानी पिछले साल के जो एडमिशन हुए हैं उसकी जो पीडीएफ है ये, इस साल की दोस्तों बहुत ही जल्दी एडमिशन शुरू होने वाले हैं और हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं, यानी रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू करने से फ़ायदा क्या है, अगर आप जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको पास की कॉलेज मिलती है, कौन सी, जो राजस्थान के बॉर्डर की कॉलेज है वो आपको मिल जाएगी उसमें रजिस्ट्रेशन जल्दी करवाने से, एक फ़ायदा तो ये है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसमें आपको वहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो कि जो आप यहाँ पर बैठकर आराम से रीट और थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम की डायरेक्ट तैयारी कर सकते हो, आपको केवल और केवल कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। अब दोस्तों इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है, प्रवेश हेतु शैक्षणिक अर्हता, यानी क्या आपकी इसमें योग्यता होनी चाहिए डीएलएड के लिए, डीएलएड यानी कि आपका एसटीसी, इसमें दोस्तों एनसीटीई के मान यानी कि एनसीटी जो आपके है उससे मान्यता प्राप्त कॉलेज होनी चाहिए, उसके अनुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के समक्ष, यानी कि आपके 10+2 यानी आपके 12th में कितने परसेंटेज होना चाहिए, 50% मिनिमम इसमें आपके चाहिए ही चाहिए, बस तो ये हो गई। और 5% की छूट है दोस्तों, वो दूसरे राज्यों के लिए नहीं है केवल एमपी वालों के लिए है, तो छूट में यहाँ का कुछ भी नहीं है दोस्तों, 50% इसमें आपकी छूट रहेगी। और दोस्तों इसमें बहुत ही जल्दी फॉर्म शुरू होने वाले हैं, किसी भी भाई को अगर कोर्स करना है मध्य प्रदेश से, राजस्थान का जो कोई भी कैंडिडेट है मध्य प्रदेश यानी एमपी से एसटीसी करके जब राजस्थान में लौटता है
यानी यहाँ बैठे बैठे एसटीसी हो जाती है, कहने का मतलब यह है, और आराम से तैयारी यहाँ पर कोचिंग भी कर सकता है ऑनलाइन ऑफलाइन, और अपने जो टारगेट है वो पूरा कर सकता है। मैंने कारण बता दिया था कि एसटीसी में नंबर क्यों नहीं आ पाता है। तो दोस्तों अपना साल खराब किए बिना आप एसटीसी कर सकते हैं मध्य प्रदेश से, यानी राजस्थान वाले मध्य प्रदेश से एसटीसी करने का ये सबसे बेहतर मौका है। फीस वगैरह दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या फिर आप व्हाट्सएप दिए गए नंबर हैं सामने दिख रहे हैं उस पर व्हाट्सएप करें, कितनी फ़ीस लगेगी, कितना क्या रहेगा, कैसे होगा मैनेजमेंट, सब हमारे हाथों में दोस्तों। आप तो बस केवल व्हाट्सएप करें और केवल एग्ज़ाम देने वहां पर जा सकते हैं। धन्यवाद। और किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, सामने जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उसके लिए। धन्यवाद।